हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज है 13 अगस्त और सुबह के बज रहे 7, दिन है छुट्टी का इतवार। ये देखिए, मैंने ये बर्ड फीडर अपने शेड के नीचे लगा दिए थे, आधे आधे हो गए हैं, 7 लगे हुए थे ये, और अब इनको भरना है क्योंकि हर हफ्ते इनको भरते हैं हम। और यहाँ पर एक एक करके नीचे, वो जहाँ पर पानी रखता हूँ वहाँ पर मैंने इनको उतार के रखना कर दिया है शुरू। तो दोस्तों, होता ये कि एक बर्ड फीडर में करीबन 800 ग्राम के आसपास जो है वो दाना आता है। यानी कि अगर मेरे घर में 7 लगे हुए हैं और ये आधे आधे हो गए हैं, इट मींस अप्रॉक्स एक हफ्ते में बारिशों में ये संख्या करीबन 3-1 केजी है जो कंज्यूम करती हैं बर्ड्स। अप्रॉक्स 50-60 चिड़िया घर पर आती है और पूरा दिन ये तांता जो है वो लगा रहता है। तो ये एक एक करके मैंने ये 6 डब्बे उतार लिए हैं। ये आखिरी भी डिब्बा मैं वहाँ से ले आता हूँ। आप भी किसी जगह पर रख के करें जहाँ साफ़ सफाई कर लीजिए उसकी थोड़ी सी, वहाँ पे पहले से काकुन वाकुन ना गिरा हो, देख लीजिए चींटी आसपास ना हो, लाल वाली। ये आ गया मेरा 7वां डिब्बा। जो चींटी काटती है ना, ओए होए होए, क्या सुझा देती है हाथ को और चपक लेती है, पता नहीं चलता कहाँ काटिस। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये सारे ढक्कन जो है खोल देते हैं, उससे ईजी हो जाता है। अब एक दो डब्बे तो है नहीं कि एक एक डिब्बा करें और वो खरीदते जाए, इसलिए सारे एक साथ भरते हैं और सारे एक साथ ही जो है वहाँ पर टांग देते हैं। फिर अगले हफ्ते यही प्रोसीजर है। तो ये हो गए जी, 6ठा डब्बा खुल गया और इसी के साथ ये आखिरी वाले का भी ढक्कन दिया हटा। और अब क्या करेंगे, मैं पहले से ही एडवांस में ला के रखता हूँ काकुन, ये लीजिए टब, टब में रखा ये फीडर। इससे ये होगा जो दाना नीचे गिरेगा वो फ्रेश का फ्रेश रहेगा, गंदा नहीं होगा और छिलके उसमें नहीं होंगे। और वो दाना जो ला कर रखा हुआ था डब्बे में, उससे इसमें डायरेक्ट लेंगे पलट। ये लीजिए, बस आपको भी यही करना है और कुछ नहीं करना है ना। ये देखिए, आपने बस इसी तरीके से एक एक करके ये 7ों डब्बे जो हैं वो भाई भर लिए जाएंगे। अपने खाने का जुगाड़ करते हैं, तो अगर बर्ड्स घर में घर, उनके लिए भी हमने दाना पानी रखा है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है कि हम उनके लिए दाने पानी को रिफ़िल करते रहे, समय समय पर देखते रहे। अंकुरित तो नहीं हो गया है, अब शेड के नीचे लगा है तो अंकुरित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ना इसमें पानी पड़ेगा ना ही अंकुरित होगा। हाँ, और जो है बर्ड्स भी खुश रहती हैं कि बारिश में वो आराम से शेड के नीचे बैठ के आराम से खा रही हैं। 50-1 चिड़िया करीब करीब एक बार में जो है सुबेरे बारिशों में आती है। ये गर्मियों में ये संख्या कम हो जाती है, गर्मी में जो है ये दाना इतना नहीं लगता, बारिशों में लगता है। पिछले साल तक तो ये संख्या दाने की ज़्यादा बढ़ जाती थी क्योंकि सारे फीडर खुले में लगे हुए थे और उसमें क्या होता था कि एक बार भी बारिश हुई तो आधा दाना तो हो गया बेकार। अगर 1/4 दाना भी डिब्बे में हो गया ख़राब तो समझिए 200 ग्राम जो है वो दाना आपका बेकार हो गया। इस समय लखनऊ में जो दाने की कीमत है काकुन की, वो करीबन 65-70 रुपए पर केजी चल रही है क्योंकि बारिश होने के कारण काकुन की बुआई हुई नहीं है। और जब बुआई नहीं हुई है तो लिमिटेड इन्वेंट्री है, स्टॉक लिमिटेड है, जिस वजह से रेट बढ़ गए हैं। अगले साल तक शायद ये कम हो जाएंगे, फिलहाल जिस रेट में मिल रहा है उस रेट में खाना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो होती नहीं है वैसे भी, है ना, और हमें प्रकृति को कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना ही है। ये दाना जो हमारा बच गया था उसको पलट दिया, ये भर गए 7ों के 7ों डिब्बे आपके ठीक सामने। एक एक करके जैसे जैसे ढक्कन खोल के हटाए थे वैसे वैसे एक एक करके ढक्कन दिए घुमा। ये लीजिए जी, ये ढक्कन घूम गया तो ये दूसरा भी ढक्कन घूम गया। बहुत आराम से चूड़ी इसकी बनी हुई है, आराम से लग जाता है, कोई इशू है नहीं। एक डिब्बा करीबन 201 रुपये की कॉस्ट का आता है और अगर आपने शेड में रखा है तो कम से कम 2 साल चलेगा, और खुले में लगा तब भी 1 साल तो ये आराम से इजीली चल जाता है। ढक्कन वक्कन टूट जाता है तो एक अलग की बात है। और इस तरीके से सारे मैंने लिए हैं घुमा। अब क्या करना है, वही जहाँ से भैया लाए थे वहीं पर उसी जगह वैसे के वैसे ही देंगे लगा। चलिए फिर पहला वाला डिब्बा जहाँ से हटाया था वहाँ लगा देते हैं। ये तार बांध करके हुक लगा रखे हैं, बहुत इजी हो जाता है इनसे। यहाँ से हटाया था यहीं लग गया, अब मेरी बर्ड्स थोड़ी देर में आएंगी। अभी भी आसपास सब बैठी हुई हैं, बस इंतज़ार कर रही हैं कि ये रिफ़िल करे और भागे यहाँ से, और उसके बाद जो है दोबारा से दाने का प्रोग्राम चालू। ये ट्रे से मैंने नहीं हटाया क्योंकि इसमें कुछ काकुन ज़रूर होगा और वो खा लेंगी आराम से, इसलिए मैंने ये साफ़ नहीं किया। वो खुद ही साफ़ करके नीचे फेंक देंगी क्योंकि वो छिलका नीचे फेंक देती है, छिलका जो है वो नीचे फेंक देती है। इसी तरीके से ये डिब्बा भी कस लिया है। चलिए जी,
ये इसको उठा लेते हैं। अब भाई जिसको जहाँ चाहे वहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़े ना है। और ये टंग गया हमारा तीसरा वाला टिब्बा भी ना। पहले मैं तार वार से बांधता था और उससे दिक्कत होती थी, क्योंकि फिर हटाते समय जो है इशू क्रिएट हो जाता था। सब कुछ दोस्तों धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। पहले हमको भी लगता था कि जो नीचे गिर गया वो काकुन है, हमने एक दो बार वही छिलका उठा करके डब्बे में भी डाल दिया, फिर देखा तो खा ही नहीं रही। फिर समझ में आया तो भैया नहीं 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 ये काकुन नहीं है, उसका छिलका है। तो ये टंग गए मेरे, चार डब्बे बचे हैं, तीन ये रहा पाँचवा डिब्बा। इस पे देखो यार एक दो चीटियाँ हैं लाल लाल, इनसे थोड़ा बच के भैया, बहुत बुरा काट लेती हैं यार, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। छोटी छोटी सी हैं और जो है सुझा देती हैं बिल्कुल। ये लीजिए वो गणेश जी भी हैं पीछे सबके लिए। ये है छठा हमारा। और देखिए काफ़ी डिब्बा मेरा पुराना हो गया, कंपनी का स्टिकर तक हट गया। और ये टंग गया भैया छठा। अगर आपने भी भैया जुगाड़ उगाड़ किया हुआ है बर्ड्स के लिए ना, तो थोड़ा इनके ऊपर फीडर्स के ऊपर भी ध्यान दिया करो। वैसे नॉर्मली जो है नॉर्मली आप 15-20 दिन में भी एक बार सफ़ा कर सकते हो जिनमें पानी नहीं पड़ रहा। करना वैसे ही है कि खाली कर लो डिब्बों को रात में या शाम को जब चिड़िया नहीं होती, और पानी से हल्के गुनगुने पानी से उसको धो दो। और साबुन वाबुन मत यार यूज़ करना बिल्कुल भी, कोई सर्फ डिटर्जेंट कुछ नहीं, नॉर्मल बस हल्के से गुनगुने पानी से वो कर दो। और ये मेरे सारे के सारे फीडर टंग। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।